हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको थर्ड टाइप से जो सवाल को क्लासिफाई किया गया है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम सेकेंड टाइप से सवाल को क्लासिफाई किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बता दिए हैं। अगर जो आप उन सभी क्लासिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ विजिट करके आप उन सभी क्लासिफिकेशन को जान सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपको थर्ड टाइप से जो क्लासिफिकेशन किया गया सवाल को उसको स्टार्ट करेंगे। उन सभी से पहले विद्यार्थी आपको बता दें कि आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आईएएस अगर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन साइज तब आपको इसके बारे में लिखना है, लेकिन अगर जो रहेगा परसेंटेज फाइनर प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट के बेस पर तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है आईएससीएस क्लासिफिकेशन, इसको क्या जब स्लाइट मॉडिफाई किया गया है तो आपका यूएससीएस क्लासिफिकेशन बना, यानी कि ये दोनों क्या है सेम चीज है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या है कि आईएससीएस में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है तो आपका ये सब बना। यहाँ कोर्स में टू टाइप्स होता है, फाइन में टू टाइप्स होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक होता है, उसके बाद पीट होता है, लेकिन आईएससीएस में क्या होता है इसमें टोटल 18 ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि कोर्स को भी परसेंटेज फाइनर के आधार पर ग्रेडेशन किया गया है और फाइन ग्रेन को उसका कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर उसको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, इसमें दो प्रकार से सील्ड और क्लियर, लेकिन इसमें क्या थ्री टाइप्स लो मीडियम और हाई कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर इसमें डिवाइड किया गया है। देखिए विद्यार्थी, आपको आईएससीएस क्लासिफिकेशन बताने से पहले क्या है इसमें कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स है उसके बारे में हम आज बताएंगे। उसके बाद जो है आपको आईएससीएस क्लासिफिकेशन में किस प्रकार से सवाल को क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तीसरा जो है टाइप्स क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको शॉर्ट में आईएससीएस भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं क्या कि यूएससीएस मतलब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज एडॉप्टेड बाय आईएस क्लासिफिकेशन विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि जब आईएस क्लासिफिकेशन में स्लाइट मॉडिफाई किया गया है तो आपका क्या है यूसीएस आया, यानी कि है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रहे या यूनिफाइड क्लासिफिकेशन रहे दोनों क्या है सेम चीज है। अब देखिए विद्यार्थी, आपको इस क्लासिफिकेशन में आपको कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताते हैं जो आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब का इस क्लासिफिकेशन में क्या है यूज है। यहाँ लिखे हैं कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स फॉर यूएससीएस, यानी कि यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स है उसके बारे में आपको क्या है यहाँ बताएं। अगर जो सॉइल टाइप्स इस प्रकार का रहा तो उसके लिए प्रीफिक्स ये रहेगा, अगर जो सब ग्रुप आपका ये सब रहा तो आपको उसके लिए सफिक्स ये यूज करना। पहला क्या है ग्रेवल, जिसका पहला लेटर क्या है जी है, इसलिए इसका प्रीफिक्स में याद रखना है जी यूज करते हैं। सैंड है, इसका पहला लेटर यस, तो यहाँ पर यस यूज करना है। सिल्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिल्ट के लिए यम जो है प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर जो क्ले है तो उसके लिए सी, ऑर्गेनिक रहेगा तो उसके लिए ओ, अगर जो पीट है तो उसके लिए पीटी। उसी प्रकार से आपको सफिक्स में याद रखना है कि जब बेल ग्रेड रहता है तो उसके लिए डब्ल्यू, अगर जो पुअरली ग्रेड रहता है तो उसके लिए पी, सिल्टी रहता है तो यम, इधर बताए थे सिल्ट के लिए यम रहता है तो इधर भी सिल्ट रहेगा तो यम, क्ले के लिए सी होता है। अब क्या है डब्ल्यू एल मतलब लिक्विड लिमिट, अगर जो लेस देन 35% है तो उसके लिए एल यूज किया जाता है, अगर जो डब्ल्यू एन ग्रेटर देन क्या है 50% है तो उसके लिए एच, अगर जो डब्ल्यू एल 35 से 50 के बीच में क्या है लाइक करता है तो उसके लिए आई। यहाँ एल मतलब हो गया लो, एच मतलब हो गया हाई, और आई मतलब हुआ इंटरमीडिएट। अगर जो 35 से लेस रहा मतलब लो रहा तो उसके लिए एल, अगर जो ज्यादा रहा मतलब ग्रेटर देन 50% रहा तो उसके लिए हाय, अगर जो ए दोनों के बीच में यानी कि इंटरमीडिएट में जब करता है तो उसके लिए आई। अब देखिए आपको एग्जांपल में यहाँ लिखे हैं बेल ग्रेडेड ग्रेबल, अब बेल ग्रेडेड ग्रेबल है इसको सफिक्स और प्रीफिक्स के हेल्प से क्या लिखेंगे जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू किसे आया जो है एक आपको समझाते हैं, बाकी आपको आगे यूज करेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको पहले हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि आगे जो आएगा आपको वहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स को यूज करेंगे वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बेल ग्रेडेड जो क्या है सफिक्स है, ग्रेवल क्या है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है पहले और सफिक्स मतलब होता है बाद, यानी जो प्रीफिक्स है उसको पहले लिख देते हैं तो ग्रेवल के लिए आपको प्रीफिक्स क्या होता है जी, तो इसलिए जी यूज किए हैं। उसके बाद क्या है बेल ग्रेडेड, बेल ग्रेडेड यहाँ क्या है सफिक्स, सफिक्स के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बेल ग्रेडेड तो डब्ल्यू। उसके बाद देखिए अगर जो पुअरली ग्रेडेड सेंड रहा तो पुअरली ग्रेडेड के लिए क्या हो जाएगा पी, तो यहाँ लास्ट में पी लगाए और सेंड जो है आपका प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स के लिए क्या होगा यस हो जाएगा, यानी कि पुअरली ग्रेडेड सेंड को
यस भी लिख सकते हैं। इसको लिखने से आपको क्या बेनिफिट है, इसको जब लिखिएगा तो आपका टाइम बच जाएगा और प्लस में आपका जो इतना स्पेस लगा है आपको इतना स्पेस में हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सफिक्स और प्रीफिक्स के हेल्प से बड़ा चीज कोई लिखा हुआ तो उसको शॉर्ट में, प्रीफिक्स और सफिक्स के हेल्प से आप क्या है उसको छोटा में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बेलग्रेड ग्रेबल है, इसको आप GW लिख दीजिएगा तो दोनों क्या है सेम चीज है। अब देखिए विद्यार्थी, आपको कुछ रिजल्ट जो है आपको बताते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सब का यहाँ यूज है। तो अगर जो अभी याद कर लेते हैं आपको तो आगे जो आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो बेल ग्रेडेड ग्रेबल रहेगा जिसको GW लिख सकते हैं तो उसके लिए CU का मान ग्रेटर देन 4 होता है और CC का मान 1 और 3 के बीच और इक्वल होता है। उसी प्रकार से अगर जो बेल ग्रेडेड सेंड रहेगा तो SW उसके लिए CU का मान क्या है ग्रेटर देन 6 और CC का मान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। CU CC क्या है इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए क्या है, एक चार याद करना है आपको, क्या है सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि IP का मान क्या होगा लेस देन 4%। अगर जो क्ले रहेगा तो उसके लिए IP का मान ग्रेटर देन 7%। अगर जो ये सब आपको याद हो जाता है तो आगे अगर जो हम बताएंगे क्लासिफिकेशन तो वहां आपको बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। नोट में क्या लिखे हैं कि इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल साइज CU, CC एंड WL एंड IP भी नोन, यानी कि इस क्लासिफिकेशन में आपको सॉइल का जो पार्टिकल उसका साइज CU, CC एंड WL एंड IP जो क्या है आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये सब का रिजल्ट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट केस में। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर है स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले विद्यार्थी क्या है, आपको जो सफिक्स और प्रीफिक्स बताए हैं इसको आपको माइंड में रखना है, बिकॉज इन सभी का वहां बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। इसलिए आपको पहले हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बता दिए ताकि वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। थैंक यू विद्यार्थी।